हाय गाइस, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फॉर गेट एंड एसएससी जेई एग्जामिनेशन रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड क्ले मिनरोलॉजी इस टॉपिक के ऊपर। तो इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक थ्योरेटिकल वीडियो डाल के रखा है, आप उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को प्रीफर कीजिए, बिकॉज इन दोनों में इंटरलिंक है राइट। लेकिन अभी तक गाइज आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड टू द नोट्स, ये जो नोट्स मैं आपको अभी दे रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, ये नोट्स आपको मेरे वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है मैच लिस्ट टाइप ऑफ सॉइल, मतलब हमें टाइप ऑफ सॉइल की लिस्ट मैच करनी है विथ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। मतलब ये लिस्ट वन हमारी टाइप ऑफ सॉइल्स है और लिस्ट टू हमारे क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल, एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन गाइज हमारे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो आप देखो जो लैक्यूस्टेरिंग सॉइल है वो किसके साथ ज्वाइंट होगी, मतलब उसका किस तरीके से वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहता है। एलुवियल सॉइल का किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन रहता है, एओलाइन सॉइल किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होके डिपॉजिट किस तरीके से होती है, और मरीन सॉइल किस तरीके से, क्या कौन से मीडियम से ट्रांसपोर्ट होती है, तो ये हमें इसमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसका आंसर है डी बी, ओके, बिकॉज क्योंकि लैक्यूस्टेरिन सॉइल जो होती है, ओके, वो फ्लो होती है, मतलब वो डिपॉजिट होती है एट द बॉटम ऑफ लेक। ठीक है, आप लिख के रखिए, जो लैक्यूस्टेरिन सॉइल होती है वो डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ लेक होती है, ओके। जो एलुवियल सॉइल होती है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन बाय रनिंग वाटर, जो हमारी रनिंग वाटर होता है उसे ट्रांसपोर्ट होके ये सॉइल जाती है। एओलाइन सॉइल जो होती है, ओके, ये हमारी विंड से ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब हवा का जो प्रेशर रहता है, जो रनिंग फ्लो रहता है, उससे हमारी एओलाइन सॉइल जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है। और मरीन सॉइल, ऑब्वियसली मरीन मतलब सी वाटर हो गया, ओके, ये डिपॉजिटेड इन सी वाटर होती है। तो हमारा कॉम्बिनेशन कैसे हो गया, लैक्यूस्टेरिन बाय रनिंग बाय दी बॉटम ऑफ लेक, एलुवियल सॉइल बाय दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रनिंग वाटर, एओलाइन सॉइल बाय द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विंड, एंड मरीन सॉइल डिपॉजिटेड इन सी वॉटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हो गया। नाउ अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ एओलियन सॉइल। मतलब इन्होंने बोला कि एओलियन सॉइल को लेके नीचे के दिए हुए कौन कौन से सेंटेंस बराबर है, करेक्ट है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये हमें देखना है। मतलब 1, 2, 3 में से एओलियन सॉइल क्या क्या रिप्रेजेंट करती है ये हमें देखना है। अभी पहले क्वेश्चन में देखिए हमने एओलाइन सॉइल को क्या क्या आइडेंटिफाई किया, कि एओलाइन सॉइल जो होती है, देखो सी इज वन, ट्रांसपोर्टेटेड बाय विंड, विंड से ट्रांसपोर्ट होती है। तो चलो हम यहाँ पे भी वही हम हमारा थोड़ा लॉजिक लगाएंगे। द एओलाइन सॉइल जो है, पहला ऑप्शन है द सॉइल हैज लो डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। देखिए एओलाइन सॉइल की कभी भी लो डेंसिटी या लो कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात, द सॉइल हैज डिपॉजिटेड बाय विंड, डेफिनेटली अभी हमने देखा कि ये जो एवलोइन सॉइल जो होती है ये विंड से डिपॉजिट होती है। थर्ड वन मतलब सेकंड, हम सेकंड हमारा करेक्ट है। थर्ड क्या है, द सॉइल हैज लार्ज परमेबिलिटी, यस, एवलोइन सॉइल जो होती है ये हमेशा इसमें मैक्सिमम इसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है। परमेबिलिटी मतलब टू ऑलो द फ्लो ऑफ वाटर, हम वाटर को फ्लो करने में ऑलो करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो क्वालिटी होती है, दोनों फिज जो प्रॉपर्टीज है, ओके, ये एओलाइन सॉइल की होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया बी, राइट। नाउ थर्ड असर्शन हमें दिया है, ब्लैक कॉटन सॉइल आर क्लेस एंड दे एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ स्वेलिंग। इन्होंने ऐसा बोला है कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है वो क्ले होती है, वो दे एग्जिबिट वो क्या होती है, स्वेलिंग की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, मतलब उनका बिहेवियर है कि जब भी उनके अंदर पानी जाता है तो वो स्वेल करती है। अभी उन्होंने हमें रीजन दिया है कि दिस क्ले कंटेन मोंटोमोरिलाइट विच अट्रैक्ट एक्सटर्नल वाटर इन टू द लैटिस स्ट्रक्चर। देखो हमेशा ध्यान में रखना, ब्लैक कॉटन सॉइल में लैटिस स्ट्रक्चर होता है, ओके, और ये जो मोंटेमोरिनाइट जो स्ट्रक्चर होता है, जो मिनरल होता है, ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो ये है कि बोथ ए एंड आर, मतलब असर्शन और रीजन आर ट्रू, ये दोनों चीजें जो इन्होंने लिखी है ये सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
और ब्लैक कट ऑन सॉइल के लिए जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो आर ने जो दिया है, दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो देखो यहाँ से हम दो तीन क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि आपको किसी ने पूछा कि भाई बताओ कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया कि ब्लैक कट ऑन सॉइल जो है ये कौन से मिनरल से वाटर को एग्जिबिट अट्रैक्ट करती है, तो आपका आंसर रहना चाहिए मोंटोमोरोनाइट। ओके, तो आपका ये आंसर रहना चाहिए। अगर आपका दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि लैटिस स्ट्रक्चर कौन से सॉइल में होता है, तो आपका आंसर रहना चाहिए ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, तो ऐसे दो तीन क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वेबसाइट को डेली बेसिस पे देखिए, बिकॉज तभी जाके आपको ये सारी चीजें बहुत काम में आएंगी। राइट, नाउ फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, द कोलैप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विद। जो हमारी कोलैप्सिबल सॉइल होती है, देखो कोलैप्सिबल मतलब क्या, लूज सॉइल। ठीक है, जो अपनी बॉन्डिंग पकड़ के नहीं रखती है, थोड़ा सा वाटर चला उसमें एग्जिबिट हो गया तो वो डायरेक्ट लैंडस्लाइडिंग जैसे होती है, तो वो लूज सॉइल्स होती है। राइट, तो कोलैप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विद ड्यून सैंड नहीं हो सकती, लैटरल सॉइल नहीं हो सकती, ब्लैक कॉटन सॉइल नहीं हो सकती, वो लॉसेस होती है। लॉसेस जिसको हम कहते हैं, लॉसेस मतलब क्या कि उसमें कोलैप्सिबल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, द प्रीडोमिनेंट मिनरल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर श्रिंकेज एंड स्वेलिंग इन ब्लैक कॉटन सॉइल इज। देखिए अभी हमने देखा था, अभी हमने जो क्वेश्चंस देखा था लास्ट में, उन्होंने क्या बोला था कि मोंटमोरनाइट ये जो मिनरल होता है ये वाटर को मतलब अट्रैक्ट करता है टू टू कम अंडर द ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने वही क्वेश्चन क्रिएट किया, द प्रीडोमिनेंट मिनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर श्रिंकेज एंड स्वेलिंग इन ब्लैक कॉटन सॉइल इज। ठीक है, तो डेफिनेटली कौन सा रहेगा, मोंटे मोरनाइट रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको चीजें ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट वन इज कंसिडर द फॉलोइंग क्ले मिनरल्स। तो इन्होंने हमें कुछ तीन मिनरल दिए हैं, क्याओलाइट, मोंटे मोरनाइट और इलाइट। वॉट इज द करेक्ट सिक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन ना गेट के एग्जाम में पूछते हैं। इन्होंने हमें क्यों पूछा है कि ये जो तीन मिनरल हमने दिए हैं, तो इसमें आप हमें बताओ कि किस किस का प्लास्टिसिटी इंक्रेस इंडेक्स जो होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए, मतलब सबसे ज्यादा जिसका होता होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब सबसे पहले ज्यादा जिसका है, फिर जिसका कम है, फिर सबसे कम किसका है, ऐसा उन्होंने हमें बोला है। तो देखो सबसे पहले रहेगा आपका क्लाउनाइट, मतलब नंबर वन। ठीक है, आप इसका आंसर है आंसर नंबर सी। ओके, बिकॉज क्लाउनाइट हमारा फर्स्ट ऐसा मिनरल होता है जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, देन इलाइट जो मटेरियल होता है, जो मिनरल होता है, इसका इंडेक्स क्लाउनाइट से कम होता है बट मोंटे मोरनाइट से ज्यादा होता है, और मोंटेमोनाइट का सबसे कम होता है इसलिए वो थर्ड नंबर पे है। राइट, क्योंकि वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, और वाटर को अट्रैक्ट जो मिनरल वाटर को अट्रैक्ट करता है उसका डेफिनेटली प्लास्टिसिटी इंडेक्स कम रहता है। ठीक है, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है मैक्सिमम टाइम। राइट, नाउ नेक्स्ट स्टेज है हमारे, सेवन नंबर का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको इन्होंने तीन स्टेटमेंट दिए और उसमें से वो पूछते हैं कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट दिया है पीट एंड मर्क आर ऑर्गेनिक सॉइल, पहला क्वेश्चन, पहला इनका क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट है। सेकंड है पीट इज एन इनऑर्गेनिक सॉइल वेयर एज मर्क इज एन ऑर्गेनिक सॉइल। थर्ड है इनका इंड्यूरेटेड क्ले इज अ टाइप ऑफ क्ले विच डज नॉट सॉफ्टन अंडर प्रोलॉन्ग वेटिंग। ठीक है, तो पहला देखो इसका आंसर है पीट एंड मर्क आर ऑर्गेनिक सॉइल, ये जो सेंटेंस है इट इज अ करेक्ट सेंटेंस, बिकॉज पीट एंड मर्क ये जो होती है ये ऑर्गेनिक सॉइल होती है। ठीक है, ये नेचुरल सॉइल होती है, ऑर्गेनिक सॉइल्स होती है ये। ठीक है, नाउ ओके, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल्स होती है। थर्ड जो है दैट इंड्यूरेटेड क्ले इज अ टाइप ऑफ क्ले विच डज नॉट सॉफ्टन अंडर द प्रोलॉन्ग वेटिंग। ठीक है, मतलब अगर आपको बहुत टाइम तक वेटिंग इसमें क्रिएट करनी है, ठीक है, तो ये एक इंड्यूरेटेड क्ले, ये इस टाइप का क्ले है जो आप अपने खुद के अंदर बहुत टाइम तक वेटिंग रख, मतलब बहुत टाइम तक वेटिंग को डीले नहीं करता है। ठीक है, ओके, मतलब बहुत टाइम तक वो अपने सॉफ्ट जो पोर्शन हो, मतलब जो सॉफ्ट होने का जो उसका मेथड है, जिस तरीके से उसमें वाटर गया फिर वो सॉफ्ट हुआ, फिर वो वाटर को उसमें पकड़ के नहीं रखता है। ओके, प्रोलॉन्ग मतलब क्या है, डिले करना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, तो हमारा फर्स्ट और थर्ड नंबर का जो हमारा सेंटेंस है इट इज करेक्ट। ओके, नाउ द एट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मीका इज अ क्ले मिनरल। सेकेंड स्टेटमेंट है द क्ले द शेप ऑफ क्ले पार्टिकल इज यूजली फ्लैंकी। थर्ड वन है अ पार्टिकल ऑफ क्लाउनाइट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट,
इज और आर करेक्ट। तो देखिए इसमें हमारा द शेप ऑफ क्ले पार्टिकल इज यूजुअली फ्लैंकी, ये हमारा जो स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ओके नाउ नेक्स्ट वन, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ रॉक वेदरिंग इज नॉट ट्रांसपोर्टेड एज सेडिमेंट बट रिमेन इन द प्लेस इज कॉल्ड। देखिए इनका कहने का मीनिंग क्या है कि जो आपका प्रोडक्ट ऑफ रॉक वेदरिंग मतलब रॉक के ऊपर जब फिजिकल या केमिकल वेदरिंग हुई है इज नॉट ट्रांसपोर्टेड एज सेडिमेंट बट रिमेन इन द प्लेस। फिर जब मतलब सेडिमेंट मतलब वो वेदरिंग होने के बाद जो बाय प्रोडक्ट उनका निकला है, जो मटेरियल निकला है वो वहीं पे रहा है, ठीक है, वो वहां से दूर नहीं गया है, उसी जगह पे रहा है। तो उस पर्टिकुलर मटेरियल उस पर्टिकुलर सॉइल को आप क्या कहेंगे? तो उस सॉइल को हम कहते हैं रेसिडुअल सॉइल, ठीक है। नाउ एओलाइन सॉइल आर, उन्होंने पूछा है एओलाइन सॉइल क्या है, तो सिंपल है एओलाइन सॉइल इज अ विंड डिपॉजिट। हमने क्वेश्चन नंबर वन में भी देखा था कि एओलाइन सॉइल डिपॉजिटेड बाय विंड होता है, तो यहाँ पे भी आपको बोलना है कि एओलाइन सॉइल आर दी विंड डिपॉजिट। नाउ यहाँ पे फिर से सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ओके लेकिन इसमें अलग तरीके से पूछा है दैट ब्लैक कॉटन सॉइल एग्जिबिट लार्ज स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग क्ले मिनरल। तो सिमिलरली मॉन्टे मोरनाइट। ओके नाउ 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन है द शेप ऑफ क्ले पार्टिकल यूजुअली फ्लैंकी, अभी हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 10 में। 13 नंबर का क्वेश्चन है सम ऑफ द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द क्ले मटेरियल दैट इज लॉस्ट बाय रीमोल्डिंग इज स्लोली रिकवर्ड विद टाइम। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल टू अंडरगो एन आइसोथर्मल सॉइल टू जेल ट्रांसफॉर्मेशन अपॉन एजिटेशन एंड सब्सिक्वेंट रेस्ट इज टर्म्ड एज अ थ्रिक्सोट्रॉपी। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कैसे सम ऑफ द स्ट्रक्चरल स्ट्रेन ऑफ द क्ले मटेरियल दैट इज लॉट, जैसे मान लो कि आप किसी पर्टिकुलर मटेरियल को क्ले को ले रहे हो और उसको रीमोल्डिंग करते करते उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ आपकी लॉस्ट होगी, ठीक है। नाउ अभी जो आपकी स्ट्रेंथ जो लॉस्ट हुई है वो स्लोली स्लोली टाइम के रेस्पेक्ट में रिकवर होती है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है मतलब पहले आपने उसको जेल को एक सॉइल में कन्वर्ट किया, फिर उस सॉइल को फिर से जेल में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज को आप क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे थ्रिक्सोट्रॉफी। इसको क्या बोलेंगे? थ्रिक्सोट्रॉफी करेंगे। ये क्वेश्चन गाइस 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है। नाउ 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा डिपॉजिट ऑफ फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर इज फॉर्म व्हेन। हमारे फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर के डिपॉजिट कब फॉर्म होते हैं? जब क्ले पार्टिकल सेटल ऑन अ सी बेड। जब भी आपके क्ले पार्टिकल सी बेड के ऊपर सेटल्ड होते हैं तब जाके आपके फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज 15 नंबर का। तो अभी हमारा 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। जैसे एल्यूवियल सॉइल है, देखो दोस्तों हम सबको पता है कि एल्यूवियल सॉइल रनिंग वाटर से ट्रांसपोर्ट की जाती है, लैक्यूस्टेरियन सॉइल बॉटम सी के बॉटम में डिपॉजिट की जाती है, टैलस जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ट्रांसपोर्ट की जाती है, लेकिन लॉसेज जो होती है लॉसेज जो होता है दीज आर नॉट डन बाय द ग्लेशियर। ये ट्रांसपोर्टेटेड ग्लेशियर रहती नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होती है मतलब ग्लेशियर से कौन सी सॉइल होती है? तो ग्लेशियर से हमारी जो सॉइल होती है दैट इज अ ड्रिफ्ट, ओके ड्रिफ्ट या टील सॉइल जो होती है दैट इज ट्रांसपोर्टेटेड बाय द ग्लेशियर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा जो इनकरेक्ट पेयर है वो ये होगी विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द क्ले मिनरल हैज अ मैक्सिमम स्वेलिंग टेंडेंसी। देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि देखो हमें पता है स्वेलिंग के लिए कौन सा मिनरल रिस्पॉन्सिबल है, मॉन्टे मोरनाइट हमारा जो मिनरल है वो दैट इज रिस्पॉन्सिबल, ओके। सो हमारा यहाँ पे भी सेम आंसर आएगा मॉन्टे मोरनाइट। नाउ 17 नंबर का हमारा क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक सॉइल विथ हाई कंप्रेसिबिलिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय। देखो हमेशा जो इनऑर्गेनिक सॉइल होती है जो हाई इनकम्प्रेसिबल होती है हाईली कंप्रेसिबल होती है वो हमेशा हम एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आऊंगा, अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और नए नए टॉपिक आपके लिए आएंगे। और ये जो नोट्स है मेरे वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।